जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संजू है। मैं अंजलि यूनिसेक्स सलोन एंड एकेडमी तेलीगंज से हूँ। जी आप सही पढ़ रहे हैं, क्या केराटिन से हेयर फॉल होता है या नहीं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे केराटिन से हेयर फॉल होता है या नहीं और केराटिन कैसा रिजल्ट देता है बालों पे। आप देख सकते हैं ये मैम के बाल कितने ज़्यादा ड्राई, रफ एंड डैमेज टाइप के दिख रहे हैं। आप इसको प्रॉपर देख सकते हैं। हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि केराटिन से क्या प्रॉब्लम होती है और किस रीज़न से हेयर फॉल होता है। सबसे पहले हम मैम का शैम्पू करेंगे। शैम्पू के बाद हम केराटिन ट्रीटमेंट अप्लीकेशन करेंगे। केराटिन ट्रीटमेंट अप्लीकेशन करने में कई चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। केराटिन ट्रीटमेंट में अप्लीकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप अप्लीकेशन अगर नहीं कर पाएंगे सही से तो आपका केराटिन का जो रिज़ल्ट है वो 100% नहीं आएगा। जो ये करवाते हैं, जो क्लाइंट्स भी केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता कि केराटिन ट्रीटमेंट हमारे बालों में अप्लीकेशन अच्छे से हुआ है या नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हीं लोगों से सर्विस करवाइए जो हेयर फील्ड में एक्सपर्ट हों, जो हेयर की सर्विसेज अच्छे से करते हों। केराटिन एप्लीकेशन में आप बार बार कोम करके और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी प्रोडक्ट अप्लाई सही से ना हुआ रहे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से हुआ है। मैं सभी फीमेल्स या मेल्स को ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप केराटिन ट्रीटमेंट अप्लाई करवाएं तो आप ध्यान रहे कि आपको केराटिन ट्रीटमेंट अच्छे से आपका अप्लाई रहे। और जो भी ये केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे उनको बहुत ही ध्यान से सेक्शन निकालना है। सेक्शन आपका हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट, क्लीन सेक्शन होना चाहिए और अच्छे से बालों को कोम करके आप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट को डैप तरीके से लगाना रहता है। आप देख सकते हैं कि ये डैप टेक्निक आपको बहुत ही अच्छे से करना है और इससे आपका प्रोडक्ट अच्छे से लग जाता है, स्प्रेड हो जाएगा जब आप एप्लीकेशन करेंगे। आप नीचे से इमल्जिफाई करते करते ऊपर तक जाएंगे। अप्लाई के बाद आप कोम इसमें ज़रूर करना है आपको। जो मैम या सर केराटिन ट्रीटमेंट अप्लाई करवाते हैं उनको कुछ चीज़ों का ध्यान देना रहता है जो बहुत से हेयर ड्रेसर्स जाने अनजाने में नहीं बता पाते। जैसे कि अगर आपने केराटिन ट्रीटमेंट कराया है तो इसको 24 घंटे के लिए छोड़ना रहता है। 24 घंटे के बाद फर्स्ट वॉश होता है। इस 24 घंटे के बीच में आपको घर पे एक चीज़ ध्यान देना है कि बालों को बार बार टच नहीं करना है। और अगर आपने बालों को टच किया है तो हैंड वॉश अच्छे से करके तब कुछ खाएं या कुछ अदर चीज़ें आप उसे छू सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को अगर आपको टच करना है तो पहले हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकती है। केराटिन ट्रीटमेंट से आपके बालों में एक प्रोटीन की लेयर ऐड हो जाती है जिससे बाल आपके हेल्दी, शाइनी एंड थोड़ा सा स्ट्रेट भी दिखता है। केराटिन ट्रीटमेंट करने में
आपको 20-30% स्ट्रेट हो जाते हैं आपके बाल, कभी कभी ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है, वो आपके बालों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आप एप्लीकेशन के बाद शावर कैप लगा दीजिए। शावर कैप के बाद में आप ब्लो ड्रायर करेंगे। पहले आप इसको ड्रायर से, नॉर्मल ड्रायर अच्छे से 80% तक ड्रायर कर लीजिए। ड्रायर से करने के बाद में फिर आप राउंड ब्रश से इसको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर प्रॉपर करना है, जैसे कि अभी आप इस वीडियो के आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ड्रायर आपको करना है। बहुत से हेयर ड्रेसर्स ऐसे हैं कि जब ड्रायर करते हैं तो इतना ज़्यादा फ्यूम निकालते हैं, इतना ज़्यादा धुआं निकालते हैं कि आसपास के लोग वहाँ खड़े होने में भी उनको दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं कि इस टेक्निक से आप करोगे तो आपके बालों में फ्यूम नहीं उड़ेगा। करने का प्रोसेस, करने का तरीका अगर आपका अच्छा है तो केराटिन का वर्क, केराटिन का रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप सही ढंग से केराटिन एप्लीकेशन या ड्रायर या आयनिंग सही से नहीं करेंगे तब ये आपका रिजल्ट 100% नहीं आएगा। स्ट्रेट ड्रायर बहुत अच्छे से आप करेंगे। स्ट्रेट ड्रायर जब आप प्रॉपर कर लेंगे तब आपको हेयर आयनिंग करनी है। हेयर आयनिंग के लिए आपके सेक्शंस पतले होने चाहिए। जितने पतले सेक्शन रहेंगे केराटिन डिपॉजिट उतना ही अच्छे से रहेगा आपके आयनिंग के बाद। जब आप आयनिंग करेंगे तो ये फ्यूम उड़ेगा ही उड़ेगा। एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप ड्रायर अच्छे से करे रहेंगे तो ये फ्यूम आंखों में लगता नहीं है, और अगर आप ड्रायर सही से नहीं करेंगे तो ये आंखों में बर्निंग सा फील होता है। केराटिन से हेयर फॉल होता है या नहीं? केराटिन से हेयर फॉल नहीं होता। केराटिन अप्लाई स्कैल्प से आधे से एक इंच के डिस्टेंस पे होता है, रूट से छोड़ के होता है। बाय चांस आपने केराटिन आपके स्कैल्प में लगा दिया तब तो डेफिनेटली ही आपका हेयर फॉल होगा ही होगा। और अगर स्कैल्प पे टच हो गया तो उसको आप क्लीन अच्छे से कर दीजिए, और अगर आपका स्कैल्प में टच हो गया और आपने क्लीन नहीं किया तो स्किन आपकी ड्राई मैच्योर जैसी हो जाएगी और आपके बाल एनाजेन फेज यानी ग्रोथ फेज से डायरेक्ट टेलोजेन फेज यानी हेयर फॉल की स्टेज में चले जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से प्रोडक्ट अप्लाई करना है और आयनिंग बहुत अच्छे से करना है। प्रोडक्ट अप्लाई करने में ही हेयर फॉल की समस्या आ सकती है अगर आप सही से अप्लाई नहीं करेंगे तो। आयनिंग आपको एक बार में 8-10 स्ट्रोक्स करने रहते हैं, और आप एक सेक्शन आपका कंप्लीट होता है तो फिर से थोड़े से नीचे के हेयर्स लेके उसको प्रॉपर मर्ज कर दीजिए। आयनिंग करते टाइम बालों में लाइन नहीं आना चाहिए, अदरवाइज जहाँ से लाइनिंग आती है वहाँ से आपके बाल टूटने लगते हैं। ये आपका आफ्टर का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि बाल कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
बिफोर के लुक में आप देख सकते हैं बालों की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी, और आफ्टर के रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि बाल स्ट्रेट, शाइनी, हेल्दी लग रहे हैं एंड बालों में प्रॉपर स्ट्रेंथ दिख रहा है। आप वीडियो को देखना कंटिन्यू रखें, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।